नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रतियोगिता दर्पण की जो हिंदी मासिका आती है, उस हिंदी मासिका में इस वर्ष 2019 में जितने भी सूचकांक के बारे में, इंडेक्स के बारे में जानकारी दी गई है, वो संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सभी के क्वेश्चन आंसर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें। तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर कलाम स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का साइन है, उस घंटे के साइन को भी आप जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच पाए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। तो अन्य और भी बहुत सारी जानकारी हम शेयर करते रहते हैं, वह भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2019 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सूचकांक है, उसमें शीर्ष पर दो देश रहे हैं, उनका नाम है जापान और सिंगापुर। तो उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर हो गया। तो जापान और सिंगापुर इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2019 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत देश जो रहा है वह दोस्तों 86वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है, या पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में दोस्तों जो पहले स्थान पर देश रहा है, उस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो गया। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो सभी दोस्तों के साथ अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें, जिससे सभी तक यह जानकारी पहुंच पाए, तो अधिक से अधिक लोग इसका फायदा ले पाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें दोस्तों जो भारत देश रहा है वह 52वें स्थान पर रहा है। तो भारत का स्थान कौन सा रहा है? 52वां स्थान ही रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 को पहली बार किस देश ने लॉन्च किया था? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 को पहली बार लॉन्च करने वाला देश है भारत देश। इसको भारत देश ने लॉन्च किया और भारत देश का स्थान इसमें कौन सा रहा? 52वां स्थान रहा। और पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? स्विट्जरलैंड है, यह पहले स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की ओर से किसने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 को जारी किया? तो भारत की ओर से दोस्तों जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं, पीयूष गोयल ने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 को जारी किया। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पर किस देश को मिला है? तो वैश्विक जो शांति सूचकांक है, उसमें पहला स्थान जिस देश को मिला है वह है दोस्तों आइसलैंड। तो आइसलैंड इसका राइट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक शांति सूचकांक 2019 में 163 देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2019 में 163 देशों में से भारत का जो स्थान रहा है वह 141वां स्थान रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत को अपने इस स्तर में सुधार करना होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्थलीय प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ कंपनी टोम द्वारा सड़क यातायात सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें पहले स्थान पर कौन सा देश शहर रहा है? तो पहले स्थान पर जो शहर रहा है वह दोस्तों मुंबई शहर रहा है। किसके द्वारा यह जारी किया गया है? तो यह स्थलीय प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ कंपनी है, जिसका नाम है टोम। इसने सड़क यातायात सूचकांक जारी किया है, इसमें मुंबई को पहला स्थान मिला है। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रतिष्ठा स्पर्धात्मक सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो विश्व जो प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक है, उसमें पहले स्थान पर जो देश रहा है वह सिंगापुर रहा है। तो सिंगापुर इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019 में भारत देश कौन से स्थान पर रहा है? इसमें भारत का जो स्थान रहा है 43वां भारत का स्थान रहा है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो स्थान रहा है वह 140वां स्थान रहा है, जो दोस्तों बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज के दिन हमारे मीडिया की हालत सबसे बदतर है, यानी आप आकलन कर सकते हैं कि विश्व के देशों में 140वां स्थान भारत की प्रेस के स्वतंत्रता की सूचकांक में इसको मिलता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर या शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो पहले स्थान पर जो देश रहा है वह रहा है नॉर्वे। तो नॉर्वे इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व प्रसन्नता सूचकांक या विश्व
प्रसन्नता इंडेक्स 2019 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा, यह शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। तो फिनलैंड इसका सही उत्तर हो गया, तो फिनलैंड पहले स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? इसमें भी भारत का 140वां स्थान रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पर किस देश को मिला है? तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 में जो पहला स्थान मिला है वह दोस्तों स्वीडन देश को मिला है, तो स्वीडन इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 में भारत को 76वां स्थान मिला है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें, जिस सभी तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का 36वां स्थान रहा है, तो 36वां स्थान इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा है, तो अमेरिका दोस्तों इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है, जो इंडेक्स सूचकांक जारी किया गया है, उसमें भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का जो स्थान रहा है वह 78वां स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में किस देश को शीर्ष स्थान दिया गया है या पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो डेनमार्क है, यह दोस्तों पहले स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में सबसे भ्रष्टतम राष्ट्र घोषित किया गया किसे किया गया है? तो सबसे भ्रष्ट राष्ट्र जो घोषित किया गया है वह सोमालिया को किया गया है, तो सोमालिया अभी तक दोस्तों सबसे भ्रष्ट देश घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, जर्मन वॉच सूचकांक द्वारा भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो जर्मन जो वॉच सूचकांक के द्वारा भारत को 14वां स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, एज ऑफ डूइंग इंडेक्स 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? तो एज ऑफ डूइंग इंडेक्स 2019 में भारत का दोस्तों 17वां स्थान रहा है, तो 17वां इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, एज ऑफ डूइंग इंडेक्स 2019 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो एज ऑफ डूइंग इंडेक्स 2019 में जो पहले स्थान पर देश रहा है वह न्यूजीलैंड रहा है, तो न्यूजीलैंड दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, तो सभी दोस्तों के साथ अधिक से व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर दें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर कलाम स्टडी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन या घंटे का साइन बना हुआ है उस घंटे के साइन को आप जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।